और महबूब खतीब हुजूर किबला पीर सैयद शमसुर्रहमान शाह साहिब मशहदी, ईमान अफरोज और बातिल सोज खिताब से हमारे कुलूब व अजान को मुअत्तर और मुजय्यन फरमा रहे थे। और आपकी गुफ्तगू का खुलासा यही है, हासिल यही है कि जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, मिसरा सानी पढ़ने चला हूं, धड़कते हुए दिल पे हाथ रखो, दिल बोले तो कहिए सुभान अल्लाह, बल्कि यूं कहूं कि जिसके सीने में इश्के नबी है और जिसके हाथ का मालिक मेरा नबी है, मिसरा सानी पे दोनों हाथ बुलंद करते हुए अपनी हाजिरी को हुजूरी की मंजिल तक ले जाइए कि जो भी मेरे नबी का शैदा नहीं हुआ, वो शख्स पैदा हो के भी पैदा नहीं हुआ, वो शख्स पैदा हो के भी पैदा नहीं हुआ। आइए साहबान, आप देख रहे हैं हमारे ऐवान के एक और अजीम खतीब जलवा गर हो गए और मैं उनको भी बिला ताखिर सदा दूंगा, लेकिन इन चार मिसरों के साए में समात कीजिएगा तो हज उठाइएगा। शाह साहब किबला, आपकी तवज्जो का भी तालिब हूं और कहना चाह रहा हूं कि आका तेरे सिवा कोई भी तुझसा नहीं देखा, आका तेरे सिवा कोई भी तुझसा नहीं देखा, आका तेरे सिवा कोई भी तुझसा नहीं देखा, और कहीं भी इतना बड़ा मोजज़ा नहीं देखा, आका तेरे सिवा कोई भी तुझसा नहीं देखा। जनाबे सियालवी साहब, आपकी तवज्जो का तालिब हूं, ये चौथा मिसरा बतौर खास आपकी रहवारे सुखन को हेड लगाएगा कि आका तेरे सिवा कोई भी तुझसा नहीं देखा और कहीं भी इतना बड़ा मोजज़ा नहीं देखा कि तेरी ज़बा के सच पर सदा किए सजदे, तेरी कसम है कि अब तक खुदा नहीं देखा, ज़बां के सच पर सदा किए सजदे, तेरी ज़बां के सच पर सदा किए सजदे। अरे हम तो खुदा के कभी कायल ही न थे, आका तुझको देखा तो खुदा याद आया, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तो बेदेखे खुदा मान लिया है। और शायद अभी भी किसी के हाशिया इदराक में हो तो उसकी तसल्ली और तशफी इन्हीं अशार में हो सकती है कि मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, आसिफ शाह जी तवज्जो, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, अरे उनकी सीरत आई ना है आई ना देखा करो। आपका इस्तखारा ठीक आए तो सुभान अल्लाह फरमाइए, मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनकी सीरत आई ना है आई ना देखा करो, बात तो जब है ऐसा राबिता पैदा करो। चौथा मिसरा पढ़ना मैंने है, सुनना आपने है, सुनाना मैंने है, समझना आपने है, अपने खालिक से कह रहा हूं मेरे मालिक मुझे तौफीक दे इन्हें समझा सकूं, इन्हें सलाहियत दे ये समझ के बोल सके, इरादा करो नहीं बोलोगे, इरादा टूटे बोलो वैसे जैसे हक बनता है, कि मैं नहीं कहता कि तुम ऐसा करो वैसा करो, उनकी सीरत आई ना है आई ना देखा करो, बात तो जब है ऐसा राबिता पैदा करो, वो तुम्हें देखा करें और तुम उन्हें देखा करो, वो तुम्हें देखा करें और तुम उन्हें देखा करो, गुंबदे खजरा का साया दौलते दुनिया होती, हर तरफ क्या देखना बस उस तरफ देखा करो, और देखने वाले की आंखों में बसी हैं जन्नतें, अरे जिसने देखा है मदीना तुम उसे देखा करो, जिसने देखा है मदीना तुम उसे देखा करो। दामने वक्त में गुंजाइश ना है, वक्त की तनाबे खिंची है और यकीनन आलम इस्लाम की हर दिल अजीज महबूब और मरगूब खतीब पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के खतीब, मेरी मुराद खतीब पाकिस्तान और हकीकत है गैरतमंद सुन्नियों की पहचान, रावलपिंडी से ताल्लुक है, इनके ढेर सारे हवाले पेश कर सकता हूं, लेकिन बिला ताखीर आपके हवाले इसलिए कर रहा हूं कि मैं जरूरत महसूस नहीं करता। इनका सबसे बड़ा हवाला यह है कि ये उशाकाने मुस्तफा और गुलामाने रसूल के दिलों में बसते हैं।
खतीब आलम इस्लाम हजरत इलामा मौलाना गुफरान महमूद सियालवी साहब इल्तमाज गुजार हूँ कि आप इस यकीन से हमारे कुलूब अजान को मुअत्तर फरमाए कि मयार ज़ाते सैयदे अबरार ही रहे, मयार ज़ाते सैयदे अबरार ही रहे। जब भी किसी उसूल की तारीफ कीजिए और सारे अच्छाइयों की आखिरी तारीफ है यही कि अल्लाह के रसूल की तारीफ कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हाथ बुलंद करते हुए, सीने की पूरी कुव्वत सर्व करते हुए, बू बकर मिजाज होते हुए, उम्र फारूक तीनत होते हुए, उस्मान गनी से खैरात लेते हुए, मौला अली से जुर्रत लेते हुए, हुसैनी जज्बा रखते हुए, आला हजरत की तकलीद करते हुए आसमान तक पहुंचने वाला नारा, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा रिसाल, नारा तहकी, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरी, हजरत गुफरान महमूद सियाल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتهائي واجب الاحترام مقتدر محتشم علماء اهل السنت ومشايخ اهل السنت شناخان رسول دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام شاخان رسول اللہ تعالی ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے حضرت قبلہ عزت مآب جناب سید آصف شاہ صاحب جو اس پاک و پاکیزہ محفل کا اہتمام فرماتے ہیں اللہ ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرمائے مجھ سے قبل آپ حضرات نے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت
पीर सैयद शमसुर रहमान मशहदी दामन बरकातों कुदसिया का बड़ा रूह अफजा खिताब समाअत फरमाया। क़िबला शाह साहब की सारी गुफ्तगू का निचोड़ जो है वो यही है कि गुलाम वही है जो अपने आका के सुबह शाम गुनगाए, जिसका तन भी जिक्र रसूल करे और जिसका मन भी जिक्र रसूल करे, और उस हवाले से उन्होंने किरदार मुस्तफ़ा की तरफ जो इशारा फरमाया वो बड़ा ख़ास इशारा था कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी जिक्र रसूल नहीं होना चाहिए, अमली तौर पे भी इंसान को मुत्तबे शरीयत नज़र आना चाहिए, मुत्तबे सुन्नत नज़र आना चाहिए। और जिन अजीम बुजुर्गान दीन का क़िबला शाह साहब जिक्र फरमा रहे थे, जिन औलिया कामिलीन का जिक्र फरमा रहे थे, वो मेरे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह हों, मेरे पीर पठान हों, मेरे पीर श्याल लजपाल हों, गौस पाक का जिक्र हो या मुजद्दद पाक का, इन तमाम अजीम हस्तियों की आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको सैर फहरिस्त ये बात नज़र आएगी कि तमाम मशायख ने, तमाम औलिया कामिलीन ने जो अपने मुरीदीन मुतअल्लिकीन मुतवस्सिलीन को सबक दिया वो शरीयत के इत्तेबा का सबक दिया। ख्वाजा गरीब नवाज हुजूर मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो चिश्तियों के सरदार हैं, आपके मलफूजात पे मुश्तमिल दलीलुल आरिफीन नामी किताब जो तरतीब दी कुतुबुल अक्ताब हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में से ये मलफूज मौजूद है कि दो फरिश्ते रोजाना आसमान से उतरते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज फरमा रहे हैं दो फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, एक मस्जिद हराम में बैतुल्ला की छत पे, दूसरा गुंबद खजरा पे। कहा जो बैतुल्ला की छत पे फरिश्ता नाजिल होता है, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि वो सारा दिन ये सदा देता है, ऐ बंदगान खुदा अगर तुम रब के फराइज की अदायगी नहीं करोगे तो अल्लाह के हुकूक से उहदा बरा नहीं होगे, और जो फरिश्ता गुंबद खजरा पे नाजिल होता है वो सारा दिन ये सदाएं देता है, ऐ गुलामान मुस्तफ़ा अगर करीम रऊफुर रहीम नबी की सुन्नत का तुमने हया न किया, हुजूर की शरीयत का इत्तेबा न किया, तो तुम क़यामत के दिन शफात रसूल से महरूम हो जाओगे। ये ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह जो शाह साहब ने इशारा फरमाया ना किसी लुच्चे लिफंगे के पीछे नहीं चलना, उन्होंने पर्दे में बात की, मैं जरा खुल के बात की, ऐसे लुच्चे लिफंगे पीर के पीछे नहीं चलना जो खुद भी शरीयत की पाबंदी न करे और आपको भी शरीयत का पाबंद न बनाए। मैं हैरान हुआ, फैसलाबाद में मैं एक जगह प्रोग्राम करने के लिए गया, वहां 11वीं वाला बाबा बड़ा मशहूर है और वो ऐसा मर्दूद है कि इलानिया तौर पे इज्तिमाए आम में मुरीदों को मना करता है, कहते हैं नमाज नहीं पढ़नी, हम फकीर हर वक्त नमाज में होते हैं। तो ऐसा कलमे कुफ्र बोलने वाला, उसके भी फॉलोअर्स हजारों में हैं, तो बताइए ऐसे लुच्चे लिफंगे पीरों के जब हम पीछे चलेंगे तो वो उनकी बेड़ी तो पहले ही डूबी हुई है, वो हमारा भी बेड़ा गर्क करेंगे। इसलिए याद रखो जिस भी पीर के हाथ में हाथ देना है पहले देख लो कि इसके हाथ में शरीयत की बागडोर है, अगर वो खुद शरीयत का पाबंद है तो वो बिल्कुल हमारा पेशवा है, उसके जूते हमारे सरों का ताज हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं
कि मैं एक दिन हजरत शेख अजल शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया तो उनको बड़ा मुतरद्दिद पाया, बड़ा मुतजस्सिस पाया, हैरान और परेशान पाया। तो मैंने हैरानी की वजह पूछी, परेशानी की वजह पूछी, हुजूर आप गमना क्यों हैं? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, तवज्जो करना, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि शेख अजल शिराजी ने मुझे यह फरमाया कि एक दिन मैं वजू कर रहा था, दौरान वजू तीन मरतबा पानी बहाना, हाथ पे पानी बहाना भूल गया, दो मरतबा पानी बहाया तो रात में ख्वाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए और फरमाया, ए अजल हमारी मोहब्बत के दावे भी करता है और तुझे पता है कि दौरान वजू आजाए वजू पर तीन मरतबा पानी बहाना मेरी सुन्नत है, तो मैं इसलिए परेशान हूं कि क्यामत के दिन नबी को मुंह क्या दिखाऊंगा। यही ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि मैं हजरत फुजैल अय्याज के पास गया, उनको बड़ा परेशान देखा, मैंने कहा आप क्यों परेशान हैं? तो वो फरमाने लगे, एक दिन मैंने वजू किया, दौरान वजू उंगलियों का खिलाल करना भूल गया तो ख्वाब में नबी पाक तशरीफ लाए, फरमाया ए अय्याज हमारी मोहब्बत के दावे करते हैं और तुम्हें पता है कि उंगलियों का खिलाल करना हमारी सुन्नत है। तो सामने जीतिशाम मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस बात को पसंद फरमाते हैं और सिर्फ उसी फकीर और दरवेश पे अपनी नजरें करम रखते हैं जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हया करे। इसलिए ये बात अपने पल्ले बांध लीजिए, हजरत शेख औहद रहमतुल्लाह अलैह वो अजीम बुजुर्ग हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जब मैं उनके पास गया ना तो उनके दाएं बाएं मैंने शेरों को देखा, शेर उनकी गुलामी करते थे, किनकी? हजरत शेख औहद रहमतुल्लाह अलैह की, उनकी शेर गुलामी करते थे लेकिन जिस्म पे सिवाय चमड़े और हड्डियों के कोई चीज नजर नहीं आती थी। तो मैंने पूछा आप परेशान क्यों हैं? फरमाया मैं परेशान इसलिए हूं, हाय हाय हाय, मैं परेशान इसलिए हूं 30 साल से एक बात मुझे सताया जा रही है जिससे मेरा गोश्त झड़ चुका है, सिर्फ चमड़ा और हड्डियां रह गई हैं। वो 30 साल से क्या चीज सता रही है? मैं उस बुजुर्ग की बात कर रहा हूं जिनकी शेर गुलामी में रहते थे। वो फरमाते हैं 30 साल से एक बात मुझे सताए जा रही है कि कहीं कोई नमाज का अदब रह ना जाए, अगर अदब रह गया तो खुदा को क्यामत के दिन मुंह क्या दिखा। अल्लाह के वलियों की ये शान थी, वो फराइज के इतने मुस्तकीमुल मिजाज थे, इतना जनाबे वाला दबाव था उनके फराइज की अदायगी में कि फराइज छूटना तो दूर की बात, किसी फर्ज का अदब छूटना भी, इसके मुतालिक भी इतने परेशान और सरगर्दा रहते थे। और हमारी हालत क्या है, हम फर्ज के करीब भी नहीं जाते और मुस्तफा करीम की गुलामी का दम भी भरते हैं। याद रखो, मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये मसला बयान करने लगा हूँ, कोई लगी लिपटी बात नहीं, उलमा से पूछ लीजिए और बतौर चैलेंज बात कर रहा हूँ। जिस बंदे का फर्ज अदा नहीं होता वो इस तरह की हजारों महफिल नाद का इनकाद करे, अल्लाह ताला ये महफिलें उसके मुंह पे मारता है। मिलाद की महफिलें हों, 11वीं की महफिलें हों, उर्स की महफिल हो, याद रखिए तमाम महाफिल इसका शरी जो डेफिनेशन है, इसकी शरी डेफिनेशन है वो इस्तेहबाब है, वो मुस्तहब है। तो याद रखिए कोई नफली इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक बंदे मोमिन फर्ज की अदायगी नहीं करता। जब तक फर्ज अदा नहीं होता कोई नफली इबादत कबूल नहीं होती। और जिस बंदे की जिंदगी में नमाज नहीं है वो अपने आप को बंदा कहलवाने का अहली नहीं है। आइए मैं हदीस रसूल पढ़ने लगा हूं, जरा दिल के कानों से इस हदीस रसूल को सुनना। करीम रऊफुर रहीम नबी के गुलामों, ये इंटरटेनमेंट के लिए महफिलें नहीं होती, सीखने सिखाने का एक प्रोसेस है। इसलिए पूरी तवज्जो से हदीस रसूल सुनिए और पूरे दिल के कान लगा के सुनिए, शायद कि ये हदीस आपके काम आ जाए और आज ही आपकी बिगड़ी बन जाए। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आओ मैं नबी पाक का फरमान पढ़ रहा हूँ, किसी ऐरे गहरे की बात नहीं है, जाते रसूल को डिस्कस कर रहा हूँ, फरमान रसूल को पढ़ने लगा हूँ। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफ़ज़ा अलैहा कानत लहू नूरं व बुरहानं व नजातं यौमल क़ियामा। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मर्द और जो औरत नमाज की हिफाजत करे, नमाज उसके लिए नूर ईमान भी है, फैज़ इस्लाम भी है, परवाने नजात भी है। वमन लम युहाफिज़ अलैहा लम यकुल लहू
नूरम वला बुरहानम वला रजाता। फरमाया जो मर्द औरत जानबूझ के नमाज छोड़ दे वो नूर ईमान से भी महरूम है, फैज़े इस्लाम से भी महरूम है, परवाने निजात से भी महरूम है। आखिरी जुमला हदीसे रसूल का सुनो और इसको दिल की तख्ती पे लिखो। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया वकान यौमल कियामत मा कारून व फिरऔन व हामाना व उबै बिन खल्फ। फरमाया जो जानबूझ के नमाज छोड़ दे उसका हश्र कयामत के दिन बाबा फरीद के साथ नहीं होगा, उसका हश्र कयामत के दिन गौस पाक के साथ नहीं होगा, वो हजरत पीर सियाल लजपाल के कदमों चरणों में नहीं उठाया जाएगा। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी फरमा रहे हैं कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देगा अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको फिरौन के साथ उठाएगा, हामान के साथ उठाएगा, उबई बिन खल्फ के साथ उठाएगा, कारून के साथ उठाएगा। सामिन ज़ीतिशाम, क्या ये हदीसे रसूल हमारे लिए नमाजी बनने के लिए काफी नहीं? कयामत के दिन क्या कोई सोच सकता है कि हमारा हाशर फिरौन के साथ हो, कारून हामान उबई बिन खल्फ के साथ हो? आज की तकरीर यकीनन शायद कुछ लोगों के लिए बोझ हो, क्योंकि हम मजे लेने के लिए तकरीरें सुनते हैं। जी कहते हैं ये टप्पा नमाज वाला हमें समझ नहीं आता, तभी तो हम बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह की बंदगी जिंदगी से निकल गई तो जिंदगी हमसे लूट गई है। आओ अल्लाह की बंदगी का तहफ्फुज़ करो, सजदों का तहफ्फुज़ करो, नमाज का तहफ्फुज़ करो, फ़राइज़ का तहफ्फुज़ करो। अगर जिंदगी में फर्ज की अदायगी नहीं है, जितनी नफली इबादत करते रहे रब कबूल नहीं करता। इस पे तो उलमा ने पूरी पूरी किताबें रखी। बिल्कुल, इसलिए सामने जी इतिशाम ये एक हदीस पाक खुद भी इसको दिल में जगह दो, अपने घर वालों को भी सुनाओ कि जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो सज्जादा नशीन हो, वो पीरे तरीकत हो, या जनाबे वाला पराए नाम रहबरे शरीयत हो, वो मुझ जैसा वाइज़ो खतीब हो, या नत खान हो, या नकीब हो, जो जानबूझ के नमाज छोड़ता है क़यामत के दिन उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं और मैं कोई ढकी लिपटी बात नहीं कर रहा, ये फरमाने मुस्तफा। और ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है कि एक कलमा पढ़ने वाला का हश्र फिरौन के साथ क्यों कर होगा? इसलिए कि उन्होंने भी अपना मकसद तखलीक बुला दिया और बेनमाजी ने भी अपना मकसद तखलीक बुला दिया। और हमारा मकसद तखलीक क्यों क्यों कर है? हमें अल्लाह ने वजूद की नेमत क्यों कर दी? आओ जरा मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, अल्लाह का कुरान सुनिए। मेरा रब इरशाद फरमाता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। फरमाया हमने इंसान को इसलिए तखलीक फरमाया है कि इंसान हमारी इबादत बजा लाए। हमने इंसान को वजूद इसलिए दिया है कि वजूद जनाबे वाला हमारी बंदगी करते नजर आए, ये वजूद जनाबे वाला सजदा करते नजर आए, ये वजूद रुकू में नजर आए, क्या मुजलसा सुजूद करते नजर आए। पर मैं इंसान को वजूद हमने इसलिए दिया है कि वो हमारी बंदगी की हिफाजत करे और बंदगी बजा लाए। इसलिए मेरे करीम रब ने बार बार फरमाया, दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया या अय्युहा الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون। سبحان الله سبحان الله سبحان भाई ये उठक बैठक वाला मसला खत्म कर दे यार, टाइम थोड़ा है। वाह, तवज्जो से सुने, मैं कुरान पढ़ रहा हूं और कुरान सुन के दिल से सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए। नहीं नहीं, इस तरह की सुभान अल्लाह मुझे चाहिए। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह का कुरान सुन के इस प्यार से सुभान अल्लाह कहें कि अल्लाह अपनी पाकी सुन के इतना खुश हो कि हम सबको पाक फरमा दे। आमीन आमीन। अब कुरान सुन के जो दिल से सुभान अल्लाह कहे वो हाथ खड़ा करे, सभी कहेंगे या अय्युहा الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون।
फरमाया ऐ लोगो अपने पालने वाले की इबादत करो, अपने पालनहार की बंदगी बजा लो, जो तुम्हारा खालिक मालिक है उसकी इबादत बजा लो, ताकि तुम्हें तकवे की दौलत नसीब हो जाए, तुम्हारा देखना पाक हो जाए, तुम्हारा सुनना पाक हो जाए, तुम्हारा देखना पाक हो जाए, तुम्हारे हवा से खमसा पाक हो जाए, तुम्हारे मुआशरती मामलात पाक हो जाए, तुम्हारे सियासी मुआशी खानगी खानदानी मामलात पाक हो जाए। पर मैं इसलिए अल्लाह की इबादत बजा लो ताकि तुम पाक हो जाओ। और फरमाया कामयाबी उसी बंदे के कदम चूमेगी जो अल्लाह की इबादत बजा लाता है, जो नमाज की पाबंदी करता है। इसलिए मेरे रब ने फरमाया कद अफलह मन तज़क्का वज़कर इस्मा रब्बिही फ़सल्ला। फरमाया तहकीक वो फला पा गया, कामयाबी उसका मुकद्दर बन गई, कामयाबी उसी बंदे के कदम चूमेगी जो सुबह शाम मेरा नाम जपता रहेगा, मुझे रब का जिक्र करता रहेगा और नमाज पढ़ता रहेगा। कामयाबी उसी का मुकद्दर है जो नमाज की पाबंदी करे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, नमाज वो वजीफा है जिसके पैदर पे करने से अल्लाह ताला इंसान को खुद गुनाहों से बेजार फरमा देता है, और नमाज पढ़ने वाले की जिंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, इंसान खुद ही गुनाहों से हाथ खींच लेता है, बेजार हो जाता है और अल्लाह नेकियों के दरवाजे उस पर खोल देता है। ये मैं नहीं कह रहा, खुद फरमा रहा है मेरा करीम रब, खुद इरशाद फरमाता है इन सलात तन्हा अनिल फहशा पर। मैं बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है, नमाज जनाबे वाला तमाम सैयाद का रास्ता मस्दूद कर देती है और हसनात का रास्ता वाह कर देती है, बुराइयों के रास्ते नमाज बंद कर देती है, अच्छाइयों के खैर के रास्ते खोल देती है। इंसान खुद ही जनाबे वाला बुराइयों से तंग आ जाता है, बुराइयों से बेजार हो जाता है। अपने नौजवानों की खिदमत में अर्ज करता हूँ, इमाम अब्दुर्रहमान सफूरी रहमतुल्लाह अलैह नुज़हतुल मजालिस में कमाल का वाक्या लिखते हैं कि एक शख्स को एक औरत से मोहब्बत हो गई, उसने उस औरत को मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी कि मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ। उस औरत ने जनाबे वाला बड़ी पाक तीनत पाक फितरत थी, उसने वो खत अपने शौहर को थमा दिया, शौहर भी बड़ा पाक बाज था, इत्तेफाक से मस्जिद का इमाम था, वो भी सीख पा नहीं हुआ, एहतजाज नहीं किया। उसने कहा तुझे उसने खत लिखा है, तू उसको जवाबी पैगाम भी कि मैं तेरे साथ मुलाकात करने के लिए तैयार हूँ, शर्त यह है कि तू मेरे शौहर के पीछे 40 दिन तकबीर उला समेत नमाज। उसने कहा ये तो मसला ही कोई नहीं, 40 दिन जनाबे वाला तकबीर उला समेत उसने नमाज पढ़ी। जब 40 दिन मुकम्मल हुए, इमाम साहब जल्दी जल्दी घर पलटे और अपनी बीवी को फरमाया कि वो आने वाला है, मैं एक नजारा देखना चाहता हूँ, अब तू उसे दावत मुलाकात देना। उसने वादा वफा किया है, अब तेरा वादा वफा करने का वक्त आ गया है। जब जनाबे वाला नमाजी मस्जिद से निकला तो उस औरत ने उसे दावत मुलाकात दी, बंदे खुदा तूने वादा पूरा किया है, अब मैं तेरे साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। उसने आगे से जवाब दिया ए अल्लाह की बंदी, अब तेरी मुलाकात की मुझे जरूरत नहीं है, मेरी अपने रब से मुलाकात हो। क्या कहने क्या कहने इन सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर। मेरे यार मेरे दोस्त, तूने इस अजीम फर्ज को क्यों छोड़ा है? तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, सुकून नाम की चीज ही नहीं है। और रब ने अजल से फैसला कर दिया है अल्लाह बिज़िक्र अल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, फरमाया दिलों का चैन फकत मेरे जिक्र में। ये आयतें हमने रट्टा लगाने के लिए पढ़ी हुई, ये इसकी अमली तफसीर भी बयान करनी है। फरमाया बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोक लेती है, इसलिए तो रब ने फरमाया ना आके में सलात अल जिक्री, अल्लाह फरमाता है मेरी याद के लिए नमाज पढ़। प्यार से कहो सुभान अल्लाह।
और कितनी वक्त नमाज पढ़, सुभान अल्लाह। अकिम सलात लिदुलूकि शम्स इला गसक लैल व कुरआन पर। मैं नमाज कायम कर सूरज ढलने से रात छा जाने तक, सूरज ढलने से रात छा जाने तक चार टाइम आ गए, ज़ुहर भी आ गई, असर व मगरिब व इशा भी आ गई और वल कुरान अल फजर में फजर की नमाज आ गई। पांच वक्त नमाज फर्ज फरमाई और जनाबे वाला बड़ा जोर दे के फरमाया हाफिज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता व कूमू लिल्लाहि कानिती। फरमा नमाजों की हिफाजत करो। ऐ मेरे नौजवानों तवज्जो करना, रब जोर दे के फरमा रहा है हाफिजू अलस्सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों की हिफाजत करो। आज हमने सामान की हिफाजत तो की, मकान की हिफाजत तो की, दुकान की हिफाजत तो की, क्या नमाज की भी हिफाजत की या नहीं? हाफिजू अलस्सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, ये रब फरमाते हैं। बिलखसूस बीच वाली नमाज ऐसे पे ज्यादा जोर दिया। और अगला जुमला क्या बोला, अगला जुमला क्या बोला भाई, अगला जुमला क्या बोला, तवज्जो करना। वकूमू लिल्लाहि कानितीन, फरमाया अल्लाह के लिए अदब के साथ खड़े रहा करो। अपने ईमान से फैसला करो मेरे नबी के गुलामों। आज सियासी आ जाए हमारे इलाके में तीन घंटे कतार अंदर कतार नारे लगाने के लिए खड़े रहते हैं, ऐसे है या नहीं? आज मेरा नौजवान जब क्रिकेट के मैदान में जाता है 12-12 घंटे देता है क्रिकेट को, लेकिन अगर फुर्सत नहीं तो नमाज की नहीं। एक दुकानदार 10 घंटे दुकान पे जनाबे वाला दुकानदारी करता है, बैठता है, झुकता है, उठता है, चलता है, पसीनों पसीन हो जाता है, लेकिन जब नमाज की बारी आती है तो बहाने क्यों ढूंढता है? अल्लाह फरमाता है मेरी बारगाह में अदब से खड़ा रहा करो। और जो अल्लाह के लिए खड़ा होने में बोझ महसूस करे मेरे नौजवान, मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है ये मुनाफिक है। आ कुरान सुन, मेरे रब खुद इरशाद फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह व हुवा खादिउहुम ये किसी मौलवी का फतवा नहीं है, अल्लाह का फतवा है। अल्लाह फरमाता है मुनाफिक मुझे फरेब देना चाहता है और अल्लाह फरमाता है मैं इस मुनाफिक फरेबी को गाफिल करके मारूंगा। मेरा अल्लाह ये मुनाफिक है कौन, ये फरेबी है कौन? फरमाया ये फरेबी वो है जो नमाज के लिए खड़ा होता है तो बड़े बोझल तरीके से खड़ा होता है, बोझ महसूस करता है। तो कुरान से पता चला जो बोझल तरीके से नमाज पढ़े वो कौन है, वो कौन है? आइए मोमिन कौन है? अल्लाह का कुरान, إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك। अल्लाह फरमाता है जो मोमिन है, जो मेरा वफादार है, वो मेरी बारगाह में खड़ा होने से तकब्बुर नहीं करता, इराद नहीं करता, कन्नी नहीं कतराता। पर मैं जो मेरा है वो दौड़ दौड़ के मेरी बारगाह में हाजिरी के लिए आता है। आज अजान मिल जाए सुन के तवज्जो नहीं करते। निस्बतों के मानने वाले सुन्नी, मुस्तफा करीम की एक अदाए दिल रुबा तुम्हें सुनाता हूं। आगा करीम बतकाजे बशरियत तबीयत बोझल है, मस्जिद पाक में तशरीफ न लाए। दो सहाबी गए, आका करीम को दाएं बाएं यूं उठाया, मस्जिद में तशरीफ लाए। आका करीम के पूरे पांव जमीन पे नहीं लग रहे। हाय हाय हाय, मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मुझे इतना ना उठाओ कि मेरे पांव जमीन पे ना लगे। फरमाया मेरे पांव जमीन पे लगने दो
क्योंकि मस्जिद की तरफ चल के जो जाने का सवाब है मैं उससे महरूम न हूं। हाय हाय हाय। अब सूरह कलम 29वां पारा आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है इन्ना लकल अजरन गैर ममनून, फरमाया मेरे नबी आपके लिए सवाब बेहद बेहिसाब कभी मुनकते न होने वाला। तो या रसूलल्लाह इतने कदम अगर सवाब न मिले तो आपका तो सवाब हमेशा जारी रहने वाला है, कभी मुनकते न होने वाला है। ये तालीम उम्मत के लिए फरमा रहे हैं कि मेरे उम्मतियो अगर सहारे के साथ भी मस्जिद में आना पड़े तो फरमाया मस्जिद में आया करो, ये शेवए पैगंबरी है। और जो नमाजी मस्जिद की तरफ जाते हुए आए हाय उस नमाजी का अल्लाह हया कितना करता है। आइए सुनन इब्ने माजा सफा 56 पे हदीस मौजूद, अभी शहीद खुदरी रावी मेरे करीम रऊफ रहीम नबी ने फरमाया कि नमाजी अगर इन अल्फाज से दुआ कर दे ना मस्जिद की तरफ जाते हुए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक साइलीना अलैका व अस्अलुका बिहक ममशा यहाजा, ए अल्लाह जितने तुझसे मांगने वाले हैं उन तमाम साइलीन को बतौर वसीला तेरी बारगाह में पेश करता हूँ, व अस्अलुका बिहक ममशा यहाजा, ए अल्लाह ये जो मेरे कदम तेरे घर की तरफ चल रहे हैं इन कदमों का वास्ता तेरी बारगाह में पेश करता हूँ तो मेरी दुआ कबूल कर। करीम रऊफ रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं अल्लाह सिर्फ उसकी दुआ कबूल ही नहीं करता बल्कि उसकी दुआए मगफिरत पे 70,000 फरिश्तों को लगा देता है। एक जुमला बोलने लगा हूं अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह डिमांड करूंगा। मैंने कहा सिर्फ नमाजी मस्जिद की तरफ चल पड़े, जो अल्लाह की तरफ चल पड़े उसका अल्लाह इतना हया करे जिसके कदम अल्लाह की तरफ चल पड़े अल्लाह उनका इतना हया करे, तो जिनके कदम रब की बारगाह में जम जाए 1,000 साल बीत जाने के बाद भी फरीद फरीद होती है। ये वो हस्ती हैं जिनके कदम जमे हुए हैं रब की बारगाह में, हाय हाय, जिन्होंने मस्जिदों को आबाद किया। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी मादरत के साथ ऐसे सज्जादा नशीनों को भी सुना है जो सीधी दुआ नहीं मंगवा सकते लेकिन आ पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद में फन्ने की रात का इमाम कौन था? बाबा फरीद थे। तारीख पढ़ो, कारियाने हिंद पढ़ो, पूरे बर्रे सगीर पाक हिंद में जो दुआत का मखरज था उसके बानी बाबा फरीद थे और पूरे जनाब हिंदुस्तान के अंदर बाबा फरीद जैसा कारी पैदा ही नहीं। इसलिए आओ अपनी असल की तरफ पलटो, कितना सच्चा कीदा है हमारा और हम भागते फिर रहे हैं नमाज से। मुस्तफा करीम के गुलामों ये बल्कि आइए हम हर नमाज में एक दुआ पढ़ते हैं और वो दुआ है किसकी? अल्लाह अकबर कुरान। हम हर नमाज में क्या पढ़ते हैं? رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ایک دفعہ بھی آپ نے وہ سبحان اللہ نہیں کی جو میرا دل ڈیمانڈ کر رہا ہے صرف وہ بندہ خدا کو گواہ بنا کے ہاتھ کھڑا کرے جو قرآن سن کے سبحان اللہ جو آیت سن کے سبحان اللہ کہے نہیں 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 ایسے نہیں جو قرآن سن کے سبحان اللہ کہے وہ ہاتھ کھڑا کرے پڑھو قرآن رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی سے آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا میرا دل کر رہے ساتھ کو میں پھر پڑھوں پھر پڑھ دوں پڑھ دوں سبحان اللہ کا پچھلا ریکارڈ ٹوٹنا چاہیے یار محول بناو لوگ آپ کی مثالیں دیں کہ قرآن سننا ہو تو سنیوں کی محفل میں جاؤ رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی رب
ربنا وتقبل دعاء یہ ابراہیم علیہ السلام ہے دعا میں ایسے ملنگ کو جوتے کیوں نہ ماروں جو نماز کے قریب نہ جائے کیونکہ جب نبیوں کو پڑھتا ہوں جب نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی میرے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا ربنا وتقبل دعا اور میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیے آج بزرگوں کے پاس جاتے ہیں حضور دعا کریں بچہ پاس ہو جائے حضور دعا کریں کاروبار اچھا چل پڑے حضور دعا کریں بیمار ہے صحت یابی مل جائے میں کہتا ہوں کبھی بزرگوں سے یہ بھی دعا کروائی ہے تو حضور دعا کریں میں بھی نماز کا پابند بن جاؤں میری اولاد بھی نماز کی پابند بن جاؤں اور نماز آئے اولاد تو ایسی پابند ابراہیم علیہ السلام کی وکان یامر اہلہ بالصلاۃ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز کی پابند آگے وہ بھی اولاد کو نماز کی پابند اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے سبحان اللہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تا دم زیست نماز اور زکات کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے نبی خود بھی نمازوں کے پابند ان کی اولاد بھی نماز کی پابند اور مصطفیٰ کریم کی اولاد میں سے صرف مولا حسین کا اگر میں ذکر کروں آج ہم مولا حسین کے نام کی نیازیں کھاتے ہیں لیکن مولا حسین کی فکر کیا ہے مولا حسین کا پیغام کیا ہے کربلا کی دھرتی پہ اتنے زخم کھانے کے بعد میرے مولا حسین نے سجدہ کیوں کیا کبھی سوچے صرف خطیب جنابے والا مدینوں کافلہ ٹوریا مکہ پہنچایا مکہ ٹوریا کربلا پہنچایا کربلا ٹوریا شام دے بازار تے کوفے چ پہنچایا اتھو مدینے پہنچایا پیغام کیا ہے امام عالی مقام امام حسین مولا حسین اتنے زخم کھا کے سجدہ کر رہے ہیں اے میرے مولا حسین آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل جنہ آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور یہ سرداری ان کو بچپن میں ہی حضور کی نسبت کی وجہ سے مل گئی تھی اے مولا حسین آپ سجدہ نہ بھی کریں تب بھی آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اتنے زخم کھا کے سجدہ کیوں کر رہے ہیں مولا حسین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے نانے کی امتیو جنت کی سرداری میں وہ لطف نہیں ہے جو اتنے زخم کھا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا لطف ہے اور اس سجدے کو بڑا کمال انداز میں بیان کیا پیر نصیر الدین نصیر نے جس کی جرات پہ جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرات پہ جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمزہ شنائے سر ہو سجدے میں ہے ابن زہرا ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے سر پہ قاتل لا چکا ہے اور تو سجدے میں ہے کون دیکھے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب کون دیکھے کون سمجھے کون
समझाए नसीर आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है मजा जो रब दी नमाज विच गे ना सोज विच गे ना साज विच गे मजा जो रब दी नमाज विच गे ना सोज विच गे ना साज विच गे हुसैन दसिया रजा खुदा दी ए नाज विच गे नियाज विच गे हुसैन दसिया रजा खुदा दी ए नाज विच गे नियाज विच गे सलाम फेर तू बाद नासिर नमाज होंदी है सब दी पूरी सलाम फेर तू बाद नासिर नमाज होंदी है सब दी पूरी हुसैन सजदे च सिर कटाया हुसैन अज भी नमाज विच गे हुसैन सजदे च सिर कटाया हुसैन अज भी एक मरतबा सभी बोलने हुसैन सजदे हुसैन सजदे च सिर कटाया हुसैन अज भी हुसैन अज भी नमाज विच है ये बतौरे मफरूजा नहीं है मेरे मौला हुसैन आज भी सजदे की हालत में और जब कयामत के दिन उठेंगे तब भी सजदे की हालत से ही उठेंगे क्योंकि करीम रऊफुर रहीम नबी के एक सहाबी लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक ये तल्बिया पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया तो नबी पाक ने फरमाया मेरा गुलाम जिस हाल में दुनिया से गया है इसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा तो गोया शरीयत का ये उसूल मिल गया कि जो जिस हालत में दुनिया से जाएगा कयामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा मौला हुसैन सजदा करते दुनिया से गए हैं सजदा करते ही कयामत के दिन उठेंगे मेरे मौला हुसैन इस हालत में सजदा ना छोड़े और इधर मौला हुसैन का मलंग है संग लोड़े हुए कड़े कड़ों पे कड़े और पूछो ये कड़ा किधर से पता क्या शबाज कलंदर के मजार से लग के आया है मैंने कहा पगले शबाज कलंदर का मजार तो कम दर्जा रखता है गुंबदे खजरा से भी लग के आए तब भी हराम है क्योंकि मेरे मुस्तफा ने इसको हराम कोई तांबा कोई लोहा कोई सोना मर्द के लिए हराम है हराम है हराम है चाहे वो जिस मजार से आए क्योंकि मेरे नबी ने उसको हराम किया ये क्यों से मलंगे तलंगे निकल आए कड़े पहन लेते हैं जी शबाज कलंदर के मजार से लग गया तो बाबा फरीद के मजार मैंने कहा शबाज कलंदर खुद भी कड़े पाया है बाबा फरीद ने खुद कड़े पहने थे जो जाहिल तुम्हें जनाबे वाला कुल डायरेक्शन देता है आंखें बंद करके उसे पीछे चल पड़ते मुस्तफा करीम के गुलामों हुजूर का सहाबी है हजरत सालिबा अंगूठी पहनी हुई है लोहे की सलाम किया हुजूर को मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया दूसरी मरतबा सलाम किया जवाब नहीं दिया तीसरी मरतबा सलाम किया जवाब नहीं दिया तो साहब ने अर्ज किया रसूलल्लाह आपका सहाबी है तीन मरतबा सलाम किया जवाब नहीं दिया मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया फरमाया तुम देखते नहीं इसकी इसकी अंगूठी में जहन्नम का लिबास है और वो देख के मेरे माथे पे पसीना आ गया मैं पूछना चाहता हूं सहाबी को हुजूर सलाम का जवाब नहीं देते ये कौन सा फकीर है जो कहता है मुझे हुजूर की हुजूरी हासिल है और पंज पंज नग बात समझ नहीं आई है इसको सलाम का जवाब मिलेगा इसको तो जूते पड़ेंगे हया नहीं आती मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ाते हुए हाय हाय अगर अंगूठी मेरे नबी ने सोने की भी पहनी हुजूर ने सोने की अंगूठी भी पहनी है साहबा नहीं पहनी लेकिन जब उसकी हुरमत नाजिल हुई हुजूर ने उतार के फेंक दी फिर हुजूर ने अकीक इस्तेमाल किया अकीक आप इस्तेमाल कर सकते हैं हुजूर ने अकीक का पत्थर इस्तेमाल किया नबी पाक ने ऐसी भी अंगूठी इस्तेमाल की जिस पे आपने अपना नाम लिखवाया
लेकिन चांदी और वो भी सिर्फ 4.5 माशे इंज नहीं भाई इस भी 4.5 माशे इस भी आखिर जी 4.5 माशे नहीं सिर्फ एक अंगूठी 4.5 माशे की। और अगर सोना ज्यादा इस्तेमाल करने का शौक है ना उमरा को ज्यादा शौक होता है तो उनके लिए एक ऑप्शन शरीयत ने रखा है सिर्फ कमीज के बटन आप सोने के शरण बनवा सकते हैं जंजीर के बगैर जंजीरी शरण हराम है सिर्फ सोने के बटन आप बनवा सकते हैं मर्द के लिए सोना पहन नहीं सकता सिर्फ कमीज के बटन बनवा सकते हैं अगर बनवाना चाहे खैर ये डिबेट ही दूसरी है मैं अर्ज कर रहा था अल्लाह सुभान अल्लाह तो क्या अर्ज कर रहा था कि मौला हुसैन उस हाल में भी सजदा किया और बताया कि अल्लाह की बंदगी का तहफ्फुज किसे कहते हैं। आओ टाइम चूंकि वक्त ज्यादा हो गया है सनाखाने रसूल भी मौजूद हैं मैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह मेरे बुजुर्गों ने एक जुमला बोला मैं ताईद अर्ज कर दूं उन्होंने फरमाया आज मिलाद का मकसद पूरा हुआ है भाई मिलाद का मकसद क्या है सूरतुल आराफ आयत नंबर 157 अल्लाह फरमाता है वयदाउ अनहु इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम मेरा नबी क्यों आया फरमाया जो तुम्हारे गलों में पड़े हुए हजारों बुतों के ताक थे वो नबी उतारने के लिए आया है और एक वहदहू ला शरीक का तुम्हें पुजारी बना ले यह है मिलाद का मकसद जिस जो नमाज नहीं पढ़ता उसने मिलाद का लंगर खाया है मिलाद का मकसद पूरा नहीं किया और मेरे करीम नबी आते ही पहला काम क्या किया सीधा सजदे में और बताया कि हूं नबी तुम्हें भी बख्शवाऊंगा लेकिन तुम्हें सजदे की कदर बता रहा हूं दुनिया में आके सबसे पहला काम मैंने यही किया अल्लाह की बारगाह में सजदा हाय आओ कुरान मजीद पढ़ने लगा हूं मेरे नौजवान साथियों सूरह कलम जो अभी भी नमाजी नहीं बना तौबा नहीं की है मैं हरगिज आपकी दिल शिकनी नहीं करना चाहता अगर मैं कहूं जरा हाथ खड़ा करो कितनी नमाज इशा की पढ़ के आए हैं तो शायद आज से ज्यादा हो इसलिए मैं हाथ खड़े नहीं करवाता एहसास दिला रहा हूं अब भी वक्त है सूरह कलम घर जाके 29वां पारा आयत नंबर 41 से 43 तक इस आयत को तर्जमा और तफसीर के साथ बतौर वजीफा 10 मरतबा रोजाना पढ़ें खुद भी पढ़ें बच्चों बच्चियों को भी पढ़ाएं इंशाल्लाह खौफ खुदा पैदा होगा और नमाज की जनाबे वाल अजमत दिल में बैठेगी और नमाज का शौक पैदा होगा आइए मैं कुरान मजीद पढ़ू अब तो ताईर भी सनद भी मिल गई है अल्लाह का कुरान يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق میں جب قیامت کے دن ساق کھولی جائے گی حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا اب بے نمازی کو اللہ بلائے گا فرمایا ادھر آ يدعون الى السجود فلا يستطيعون الله فرمائے گا او بے نمازی ادھر آ یہاں میرے سامنے سجدہ کر ہائے 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 فلا يستطيعون سجدہ نہیں کر سکے گا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة نظر نیچی کی ہوئے اور ذلت اس پہ چڑھ رہی ہے ذلت چڑھ رہی ہے میرے اللہ کیوں اگلا جملہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى
बहाने ढूंढता था। अल्लाह उस वक्त से बचाए कि अल्लाह की बारगाह में खड़ा होके बंदा हो रब का और सजदा ना कर सके। अल्लाह फरमाता है क्यामत के दिन मैं इसे अपने पास बुलाऊंगा, सामने खड़ा करके कहूंगा यहां सजदा कर, नहीं कर सकेगा। क्यों? फरमाया जब दुनिया में कहा जाता था नमाज पढ़ तो बहाने ढूंढता था। फजरनी व मन युकल्लिबु बिहादल हदीस, फरमाया ये हक बात सुनने के बाद भी अगर तू नमाजी न बना। अगला जुमला क्या बोला? सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। ओए बेटा आराम से बैठ जा, मैं एक घंटा हो गया आपका तमाशा देख रहा हूं, मजलिस के आदाब होते। बेटा नीचे बैठो, नीचे बैठो मेरे बेटा, शाबाश, तवज्जो करना, सुभान। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, फरमाया इतना दर्दनाक, इतना नसीहत आमोज पैगाम सुनने के बाद भी तू नमाजी न बने तो फरमाया बोम ली लो, मैंने रस्सी ढीली छोड़ी है, तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ ले जाऊंगा जहां की तुम्हें खबर भी नहीं होगी, ऐसे बर्बादी के गड़े में तुम्हें डालूंगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। और वो गड़ा क्या है? आ कुरान सुन, फसौफ यलकौना गैया, फरमाया वो गैश का मकाम है जिससे बेनमाजी की मुलाकात होगी। और याद रखो मेरे दोस्तों, जो जानबूझ के नमाज छोड़ देता है वो जहन्नमी है। वो कौन है? जहन्नमी है। मैं नहीं कहता मुसलमान नमाजी जन्नत में है और मुसलमान बेनमाजी जहन्नम में है। तवज्जो है आपकी भाई, मेहमान आते जाते रहेंगे, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। मुसलमान नमाजी जन्नत में और मुसलमान बेनमाजी जहन्नम में, उस वक्त उनका जो मुकालमा होगा उस मुकालमे को कुरान ने बयान किया, उस मुकालमे को कुरान ने बयान किया। मा सलककुम फी सकर, जन्नती मुसलमान नमाजी जहन्नमी मुसलमान बेनमाजियों से पूछेंगे कि तुम्हें जहन्नम कौन सी चीज ले गई, तुम तो कलमा पढ़ते थे। आगे से जवाब पता है क्या देंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जानबूझ के नमाज नहीं पढ़ते थे। इसलिए याद रखो, जानबूझ के नमाज छोड़ने वाला कुरान की नस से जहन्नमी है। इतनी आयात मैंने आपकी हजरात की खिदमत में पेश की हैं, क्या मैं उम्मीद रखूं कि इंशाल्लाह आज के बाद आप नमाज नहीं छोड़ेंगे? इसके साथ मैं दूसरा भी टच देता हूं, नमाज और अकीदा आले सुन्नत। लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं है, सना खाने रसूल भी बैठे हैं, उन्होंने भी हाजिरी लगवानी है, इस पे फिर कभी मुझे हुक्म दिया गया तो जहां मैं खत्म कर रहा हूं यहीं से आगे मैं शुरू करूंगा कि नमाज से अहले सुन्नत का अकीदा कैसे वाजे होता है। अल्लाह ताला ओ जनाब सब बैठे हैं, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत दे। खतीब के लिए जुमरात का टाइम बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सुबह जुम्मा शरीफ पढ़ाना होता है, और मैं इसलिए जल्दी कर रहा था क्योंकि मैंने जाहिर बात है इस्लामाबाद पहुंचना है, सुबह जुम्मा शरीफ भी है, लेकिन शाह साहब ने हुक्म दे दिया है तो अब सैयद का हुक्म हो और सैलरी न माने तो वो सैलरी कैसा? सुभान, तवज्जो करना, सुभान अल्लाह। सामीन अगर नमाज पढ़ोगे ना पाबंदी से, एक तो जिंदगी में सुकून आएगा, करार आएगा, बरकत आएगी। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि अगर आप डीपली नमाज को समझेंगे तो आपका अकीदा भी ठीक हो जाएगा।
कैसे कैसे? वो ऐसे, आप नमाजें कितनी पढ़ते हैं? ऊंचा बोलिए, पांच। कभी सोचा है कि यार ये दो क्यों नहीं पढ़ते, यार ये दस क्यों नहीं पढ़ते, ये पांच ही क्यों पढ़ते हैं? तो आप उलमा की तरफ रुजू करेंगे, उलमा से पूछेंगे जनाब बताइए हम पांच नमाजें क्यों पढ़ते हैं? तो उलमा आपके सामने बुखारी और मुस्लिम शरीफ खोल के रख देंगे, और मैं अब जरा बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूं अगर आपका जौक। करीम रऊफुर रहीम नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज से वापस आया ना, फरजअतु फमररतु अला मूसा, मैं मूसा अलैहि सलाम के पास से गुजरा, काल बिमा उमिरता, तो मूसा अलैहि सलाम ने मुझसे पूछा, ऐ अल्लाह के आखिर जमान नबी, अल्लाह ताला ने आपको किस चीज का हुक्म दिया? कुल तो उमिर तो बिखमसीन सलातन कुल यौम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे मेरी उम्मत को रोजाना 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म दिया। काला इन उम्मत करा तो सदी 50 सलातन कुल यौम, अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत रोजाना 50 नमाजें न पढ़ सकेगी, क्यों? इन्नी वल्लाह जर्रबतु الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه, मेरी उम्मत पे दो नमाजें फर्ज थी, मैंने उनका शदीद तरीन इलाज किया, इसके बावजूद वो नमाज नहीं पढ़ सकी, आपकी उम्मत 50 नमाजें कैसे पढ़ सकेगी? फर्ज इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट जाइए, फस अल हु तखफीफा, नमाजों में कमी करवाइए। अब बुखारी शरीफ में है 10-10 नमाजें कम हुई, मुस्लिम शरीफ में है 5-5 नमाजें कम हुई, मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली रहमतुर रहमान वर रहीम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि ये पांच वाली हदीस ज्यादा बयान किया करो। हुजूर क्यों? फरमाया अगर 10-10 नमाजें कम हो तो मुस्तफा करीम को सर की आंखों से रब का दीदार 5 मरतबा हुआ, अगर 5-5 नमाजें कम हो तो मुस्तफा करीम को खुदा का दीदार सर की आंखों से 10 मरतबा हुआ, अजमत रसूल इसमें ज्यादा है, इसलिए 5 वाली हदीस ज्यादा बयान। आज जब मुस्तफा करीम गए, अर्ज के मेरे अल्लाह मेरी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, सुनियो नुक्ता, पॉइंट देने लगा, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत रोजाना 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती, रब ने यह नहीं फरमाया ऐ मेरे नबी मखलूक मेरी है, फर्ज मैंने की है, मैं जानता हूं पढ़ सकती है कि नहीं, तू कब से गैब का इल्म रखने लगा? रब ने ये नहीं फरमाया, रब ने यह भी नहीं फरमाया महबूब ला तब्दील लिकलिमात अल्लाह, मेरी बात बदल सकती नहीं, रब ने यह भी नहीं फरमाया महबूब ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, मैं उतना ही बोझ रखता हूं जितना कोई उठा सकता है, रब ने कुछ भी नहीं फरमाया, बल्कि यह फरमाया ओ सोनिया एक केड़ा मसला ए ते घर दी गल ए ते घर दी गल, माफ की कितनी रह गई? कई साडे संगी सोचते बैठे हो सन यार सुन लिप फिर और मार छोड़े होने यार, हैं जी आए मसीतन ते मौलवी जान ही छोड़ गए, आए हाय। मूसा अलैहि सलाम ने फिर भी अर्ज किया था यार सुन ले पांच भी कोना ने पढ़ सकन लगे, फिर बन जो नबी पाक ने फरमाया मूसा रब ने मुझ पे इतना करम कराया कमाया है कि अब मुझे वापस जाते हुए हया आती है, हाय हाय हाय, उम्मती को अभी हया नहीं है ये नमाज शुरू करने की, कब हया करेंगे हम? फरमाया मुझे हया आती है, अब मैं नमाज और अकीदा अल सुन्नत का टच देने लगा हूं, हाय हाय। जो मुस्तफा का वसीला न माने, सिंपल बड़ा सादा सा मसला, उसे कहो भाई मैं मौलवी नहीं हूं, मुझे सादी सी बात बताए, ये बता के पहले नमाजें फर्ज कितनी हुई थी, वो कहेगा 50, उसे को फिर 5 क्यों पढ़ता है, वो कहेगा नबी पाक के बार बार अर्ज करने पे 5 रही, उसे को फिर वसीले वाली तो 5 हैं, वसीले वाली, उसे को भाई बात सीधी सी है, लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है, या वसीला मान 5 पढ़ तो, या फिर पूरियां 50, एक दड़ 50 दी प्रैक्टिस करे वसीले मुस्तफा समझ आवे, बात समझ आई कि नहीं आई? अब आइए अकीदा ठीक हुआ या नहीं,
वसीले वाली, नमाज भी वसीले वाली। मैंने कब पगले जुमला बोलने लगा हूं, जुमला बोलने लगा हूं, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह। अल्लाह अपनी इबादत भी वसीले मुस्तफा के बगैर नहीं देता। और कौन सा जनाबे वाला तू तीर चला लेगा बगैर वसीले मुस्तफा के? अल्लाह फरमाता है इबादत भी वो दे रहा हूं जो मुस्तफा के वसीले वाले। अब ला तब्दील अल कलिमात इल्ला भी अपनी जगह पे एक मुसल्लम उसूल है कि बात बदलती नहीं, बदल तो गई है। रब फरमाया सोने गल तेरी भी रखनी है तो गल अपनी भी रखनी है। सोने तू बार बार डिमांड की है, मैं 45 माफ कर दी, गल अपनी भी रखनी है। पर्सन पांच सवा पूरा पंजा दे सर। तीसरा अकीदा, वो ये कि क्या मुस्तफा करीम के बार बार अर्ज करने पे तकदीर बदली है कि नहीं, तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह के महबूब जब रब की बारगाह में डिमांड कर दे तो रब अपने महबूबों का हया करते हुए तकदीर को भी बदल देता है। अब आइए नमाज और अकीदा अहले सुन्नत पे चौथा पॉइंट देने लगा हूं। किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो? खाना काबा शरीफ। ये काबा किसके वसीले से किबला बना? समझ नहीं आई है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुरान पढ़ूं। अच्छा तुहाड़ी बोली, चलो आए हाय हाय, चलो जी तुहाड़ी बोली तो फिर जिम्मे मैं सुभान अल्लाह प्यादा हूं सुभान अल्लाह भी आख ना। नहीं ये पता चल सी कुरान सुन के कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दा। लेकिन मेरा दिल पे करदा यार इंज दी एक बार छल सुभान अल्लाह दी होर आवे मैं आयत पढ़दा। पढ़ा आयत जड़ा दिलो ते ढिड्डो दिल नाल ते दिल नाल सुभान अल्लाह आखे ना, जरा वो हाथ खड़ा करे सारे आखोगे। एक तारीख रकम होनी चाहिए ये हामिदपुर शहीदा अज भाई सुभान अल्लाह कदी सुनी आई? मैं आयत पढ़न लगा قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها। से बड़े दिल कर रहा मैं फिर इस आयत को पढ़ दिया, फिर पढ़ दूं यार, फिर पढ़ दूं। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى فلنولينك قبلة ترضاها। मेरे करीब रहो
असर की नमाज है, दो रकात पढ़िया मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके आसमान की तरफ चेहरा उठावना शुरू किया, कद नरा हाय 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 क्यों चेहरा उठाया? इस वास्ते कि मेरे रब्बा ये यहूदी ताने देने कि नवी शरीयत गिन के आया नवा नबी है किबला साढ़े आला किबला साढ़े आला रब्बा यहूदी ताने देने मेरे नबी बोले नहीं। यार सुनियो जुमला बोलने लगा हूं वही सुभान अल्लाह चाहिए जो कुरान मजीद सुन के सुभान अल्लाह आपने कही है। आज जो लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से क्या होता है, मैंने कहा तुम्हें बताऊं नबी बोले नहीं, जिसके खामोश चेहरे तरफ इतना हया करता है उसके बोलने तरफ कितना हया करता है। रुख महबूब दा खाना काबा, मैं सारा दिल ढेला छोड़ा इन सुभान अल्लाह नहीं आखना अपनी गल आई तो किवें पटी के सुभान अल्लाह यही तो तुम सुनी जातियां करें दे। रुख महबूब दखाना काबा जिथे आशिक सजदे कर दे दे खुयार दिया बेजमजम जिथे घुट प्यासी भर दे बाहुशा मक्के की जाना जदा हज होवे हर विची आगे सियालवी साहब बड़ा सोहना कुरान पढ़े ने अचानक पटड़ी लै क्यों गए किवें आके हज घर च किवें आवन लग पे। मैंने कहा उधर से उधरों ये बड़ी हदीस चुट के पढ़ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा वालिदैन दा चेहरा प्यार नाल वेख लवे उसनु मकबूल हज दा सवाब मिलसी। मैं कहा जे वालिदैन दा चेहरा प्यार नाल वेखण नाल मकबूल हज दा सवाब मिले ते जिदे सदके वालिदैन नु अजमत मिलियां मेरे नबी दा चेहरा वेखण। हाय 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 अल्लाह यूं चेहरा उठाया अल्लाह ने क्या फरमाया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा। तर्जमा यही होता ना कि सोनिया आसमान की तरफ चेहरा उठावना असा तेरा वेख रहे हैं। उलमा बैठन फीद मान आंदा विच सोनिया जड़ा आसमान ना विचो तू असन पे वेखदा अस भी तैनू वेखदे ते ए नहीं फरमाया सोनिया जेडे पिछे खलोते हैं तेरे सतारह साल जिन मस्जिद अक्सा दे पासे मुंह करके नमाज़ पढ़िया इन वास्ते तो मसला बन गया सी सोने अगलियां दो पूरियां करना तो फिर तब्दील कर सा नहीं पर मैं मेरे नबी अभी चेहरा फेर यही तो देखना चाहते हैं कि किबले की तरफ कौन जाता है और रुखे मुस्तफा पे कौन आए हाय हाय हुजूर ने चेहरा फेरया कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा फलन वल्लियन्नक किबला तन तरदाहा। नबी के चाहने से क्या होता है? ऐ होता है, ऐ होता है, समझ को
क्या होता है? मैंने कहा होता फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दा। मौलवी तू टांगे ऊपर भी कर ले, दूसरे जन्म में भी इसका जवाब नहीं है तेरे पास। रब ने ये नहीं फरमाया सोने मैं अपनी मर्जी नाल किबला बनावना ना, तर दा हा सोने जिदे तू मुंह कर दिया सौदे किबला बना दे, तर दा असा तेरी मर्जी नाल किबला बना, जिदे तेरी मर्जी उधर रुख कर दे। फी नफ्स ही न मस्जिद अक्सा की शान है, फी नफ्स ही न बैत मस्जिद हराम की शान है, फी नफ्स ही न मस्जिद कुबा की शान है। शान उसी की तरफ उसी सिमत की है जो सिमत रुखे मुस्तफा को। हमारी अनवार तजल्लियात का मरकज उसी रुख बनता है जिस रुख पे मेरे नबी का रुख होता है। हाय हाय, कोई एक साबी पूरा इस्लामी लिटरेचर पढ़ो, कोई एक साबी भी इंजदा है कि जिस ये तजस्सुस की तो भी शायद हुजूर भूल गए हैं। 17 साल यार जिन्ना 5 नमाज मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके पढ़िया, कोई एक साबी भी आई? और साहबा दा ते इस्लाम भी हुजूर दे रुख नाल ही चलदा ही, रुखे मुस्तफा नाल चलदा ही। नाजिल हुई है जिसके लिए आया ए लकद, अपनी नौयत का है जमाने में वो अहद, खालिक ने ऐसे फन से तराशे है खालुकद, न तस्वीर की हद है न मुसव्विर की कोई हद। ऐसा हसीन सुभान, जिधर घूमता है उधर इसे भी घूमते हैं। एक साबी और मैं क्या उठे थे पीछे खलोते आए संगिया, मैंने कहा मैं बुखारी शरीफ पढ़ता पिया, पहली जिल्द सफा 57 पढ़ लै, उत्तो साबी नमाज पढ़ के गए ना, अगे जनाबे वाला अंसार दी जमात अलग होकर खलोती हो अलग पे नमाज पढ़ाने, पिछो साबी गया ना तो उस पिछो आवाज दे देती कि नबी पाक तो किबला बदल लिया। किससे ये नहीं तजस्सुस की तभी पता नहीं आवाज लाने वाला कौन है, उत्थे ही घूम गए। ए बुखारी शरीफ पहली जिल सफा 58 तो टुर बनजो, पहली जिल सफा 58 फजर की नमाज मस्जिद कुबा च हो रही है तो मस्जिद अक्सा की तरफ रुख है, उन्होंने उन्हें तक इतला नहीं पहुंची कि किबला ते कल असर तब्दील हो गया। एक साबी पिछो गया ना तो उस पिछो आवाज दी कि किबला ते कल असर टाइम चेंज हो गया, तो किस एक साबी भी तजस्सुस नहीं की तब पता नहीं आवाज लाने वाला कौन है। बाद तहकीक करेंगे फिर किबला बदलेंगे, नाम आया ना हुजूर दा नाम सुन के घूम के, पर मैं साढ़े वास्ते हुजूर दा नाम ही काफी है। अकीदा ठीक होता है या नहीं होता? इस वास्ते जो हुजूर दे वसीले दे इनकार करे उन्हें को संगिया एक किबला वसीले आला, एक किबला वसीले आला, या ते वसीला मन ते इस किबले आले पास मुंह कर, नहीं तो को किबला होर ताड़, ए वसीले आला ताड़ खूब है जी। आए हाय कोई और किबला ताड़, आए हाय हाय सुभान अल्लाह। आइए नमाज और अकीदा अहले सुन्नत, आप नमाज में पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका, उच्ची बोलो अस्सलामु अलैका, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? आज आखदे जी यार सुल्ला नहीं आखना चाहिए, उधर या अल्लाह इधर यार सुल्ला, उधर भी या इधर भी या, याद मन ए, मैं कि तेरे वास्ते मसला ए बनी गई है, समझ कोई नहीं आई। अख जी उधर या इधर भी या, याद मन ए, हाजिर नाजिर देखते सुनते जानते, मैं कह ए मसला, अख जी हाँ, तो मैं कह नमाज जरा पढ़ो तर्जमा करो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तर्जमा के सलाम हो तुम पर ए नबी। मैं कह नमाज के अंदर ए नबी जायज, तो नमाज तो निकल के केड़ी मौत पै बैंदी है यार रसूल का कीदा नमाज से साबित हुआ कि नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह, बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया। ऐसे नहीं यार, सुन्नी
भाई बन के पढ़ो, पता चले यार सुनना मानने वाले बैठे। बड़ी ताकीक से हमने पुकाराया सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीने के गली कूचों में नाराया रसूल अल्लाह बड़ी ताकीक से हमने पुकाराया जमीन सिमटी हुई उनके आगे हाथ की मानद उन्हें मालूम है किसने पुकाराया बोलो बोलो उन्हें मालूम है किसने पुकाराया रसूल अल्लाह बड़ी तहकीक से हमने कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में जरा मिलकर लगा दो तुम बिना या नबी गूंज पड़नी चाहिए कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में जरा मिलकर लगा दो तुम बिनाराया बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया शफात कासमी होगी उसी की देख लेना तुम शफात कासमी होगी उसी की देख लेना तुम हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया रसूल अल्लाह हश्र के रोज भी जिसने पुकाराया बड़ी तहकीक से हमने जरा पढ़िए किताबों में फुतूह शाम का किस्सा भरा लश्कर सहाबा का पुकाराया रसूल अल्लाह बड़ी तहकीक से हमने पुकाराया कसम अल्लाह की आका सुन रहे होंगे मदीने में जरा मिलकर लगा दो तुम बिनाराया अल्लाह अल्लाह आप पर अलविदाया बनने आया इब्ने कसीर चोटी का मुहद्दिस छठी जिल्द सफा 298 जंग यमामा का मौका खालिद बिन वलीद कमांड कर रहे हैं 10,000 फौज और मुकाबले में मुसैलमा कज़्ज़ाब 40,000 की फौज मुशावरत हुई सैयदना सिद्दीक अकबर की बारगाह में कि हुजूर आज ऐसों से आज ये जना लफड़ा पिया वो भी कलमा ए ही पढ़ दें अस भी कलमा ए ही पढ़ दें दाड़ियां उन्हें भी रखियां नसा भी रखियां
नमाजा वो भी पढ़ते हैं, नसम भी पढ़ते हैं, अजान वो भी देने, नसम भी देने, अकाम तो भी आज नसम भी आखते हैं। ऐ सदीक अज पता कि लगेगा कि नमाज पढ़ने वाला सच्चा कौन, तो नमाज पढ़ने वाला झूठा कौन, दाड़ियां रखने वाला सच्चा कौन, तो दाड़ियां रखने वाला झूठा कौन, मदरसे बनावन वाला सच्चा कौन, तो मदरसे बनावन वाला झूठा कौन। बतौर चैलेंज अर्ज कर रहा हूं, इब्ने कसीर को पढ़ो, चोटी के मुहद्दिस मुहक्के के मुअर्रिख नक्का हाफिजुल हदीस, वो कहते हैं सिद्दीक अकबर ने कहा कि आज नखेड़ा करना, उन नबी नारे तकबीर लाना, तुसा भी नारे तकबीर लाना, आज नारे रिसालत लाओ। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं असर कटाई, हाथ शल हो गए, तलवारें गिरने लगी, पांव से जमीन छिरकने लगी, सूरज आधा अंदर आधा बाहर, 40,000 फौज हम पे चढ़ दौड़ी। खालिद बिन वलीद फरमाते हैं मैं जले हाल वेखिया ना, तो मैं सीधा टिब्बे ते चढ़ गया, ते सिर मुंह मदीने की तरफ। अब लफ्ज इब्ने कसीर के सुन, فنادوا بشعارهم وكان شعارهم ينادون يا محمد يا رسول الله। जो ही यार सुन लग की सदा जी खालिद ने 40,000 फौज हमारे आगे थी, हम उनके पीछे थे गाजर मूली की तरफ काट रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका, वो आते हैं बुलाना हम न छोड़ेंगे। आए हाय हाय, नमाज से अकीदा भी ठीक होता है कि नहीं होता है? यही अस्सलाम अलैका या नबी की बहस। अब्दुल हई लखनवी, उनके वालिद अब्दुल हलीम लखनवी असिया फिजर लिदाया कहते हैं अस्सलाम अलैका नबी, एक काफ बी खिताब दा ते फिर भी गल पूरी सलाम तुम पर नबी, ए विच अय्यू आके आ गया। एक गल बड़ी तवज्जो नाल सुननी है, चोटी का फकीर है अब्दुल हलीम लखनवी सियाफी रलदाया आदे ना सलाम अलैका अय्युहन नबी, जो अस्सलाम अलैका नबी गल पूरी ए विच जो आके वे कहंदे ने वसिरु फिल खिताबे अन्न रसूलुल्लाह मौजूदुन फिल मुसल्लीना, रोज नमाजी तू तन्हा नमाज नहीं पढ़ रहा, तेरी नमाज के अंदर रसूलुल्लाह मौजूद है। तेरा साथ बैठा नमाजी भी इतना तेरा सलाम नहीं सुनता जितने मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनते हैं। हाय हाय, तो या रसूलल्लाह का कीदा नमाज से साबित हुआ कि नहीं? आगे पढ़ दिया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह, उच्ची उच्ची आखिरी गल ते खत्म तकरीर, व अला इबादिल्लाह व अला इबादिल्लाह हे सालिहीन, मेरे अल्लाह तेरे जितने नेक बंदे ने सब ते सलाम, पढ़ दिया कि नहीं? उची 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 पढ़ दिया कि नहीं? अस्सलाम अलैना, मेरे अल्लाह साढ़े ते भी सलाम, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, जितने तेरे नेक बंदे सब ते सलाम। मैं के नमाज दे विच बाबा फरीद ते सलाम भेज दे हो, समझ कोई नहीं आई यार, बड़ी थकी हुई कहूं यार, बड़ा पॉइंट मैं दिता, वाला इबादिल्लाह सालिहीन, मेरे अल्लाह तेरे सारे नेक बंदियों ते सलाम, मैं के नमाज दे विच बाबा फरीद ते सलाम भेजदा, नमाज दे विच दाता अली अजमेरी ते सलाम भेजदा, ये नमाज तो निकल के केड़ी मौत पै वैंदी है। गल समझ नहीं आई? भाई अल्लाह वालों का जिक्र आया है तो मुझे मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं उस्ताद अल कुर्रा
किबला कारी यासीन नईमी साहब जो हमारे हम सफर बने सहीवाल से, उन्होंने आते हुए मुझे हुक्म दिया जी ओ बाबा फरीद आला वाक्य तो से जरूर पढ़ना मटके आला क्या क्या सुने भैया। ओ माशाल्लाह यार मेरे बाबा फरीद का बड़ा अजीम फैज है कसम से। मैं 2011 शारजा कम्युनिटी सेंटर खिताब कर रहा सा शारजा, ते जो मैं तकरीर मुकाई ना तो एक 60 साल का बाबा खलो गया आई इंडियन। मैंने आखदा वो बाबा फरीद का वाक्य भी सुना है। मैं कहा बाबा जी तू समी सुने वे अकेसे वास्ते तो महफिल रखी है। ये मैं 8 साल पहले कोटली आजाद कश्मीर पढ़िया सी इतनी मकबूलियत अलहमदुल्ला जिथे रहना यदि डिमांड जरूर होंगी है। बड़ा सादा जहा वाक्य लेकिन मेरे बाबा फरीद का फैज है सुभान अल्लाह। क्या क्या सुने वे भाई माशाल्लाह सारे सुने वे सारे सुने वे माशाल्लाह। अच्छा बात उस जिमें सुभान अल्लाह हुई वह भी सुनी हुई ने जिमें उस कलिप के सुभान अल्लाह हुई भी सुनी है ना तो उन जी सुभान अल्लाह सुना सो कोई नहीं। सामने जीत श्याम तालिब इल्मा मटके चुक के पानी भरन चले बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद फरमाया पुत्र किधर जांदे हो आखे बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे ओ सामने मिठा चश्मा पानी दा उत्थो पानी भरन चले आ। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो इन्ना दूर क्यों जांदे हो ए मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो मैं मिठा कर दिता कर खारे पानी मटके भरी बाबा फरीद सामने रखी। बाबा फरीद ने एक बार सूर्य फातिहा पढ़ी फूक मारी सारे मटके मिठे हो गए। तालबिल्मा मटके चुके मदरसे मुहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो आके उस्ताद जी चश्मे ते जान की लोड़ ही नहीं पी बाबे और एक बार सूर्य फातिहा पढ़िए फूक मारिए सारे मटके मिठे हो गए आके लै सूर्य फातिहा तो सानू भी आती अस बड़े वे कर रही है आरे पानी दी मटके भर के बह गए पड़ पड़ सूरे फातिहा फूक एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद कुल गए बाबा जी तुसा एक बार सूरे फातिहा पढ़ी फूक मारी सारे मटके मिठे हो गए असा फूका मार मार थक गए एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो जबान भी तो फरीद आली होवे क्या कह रहे